अगर आप लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं तो आप प्रदोष व्रत ले सकते हैं। 15 जून को प्रदोष व्रत आ रहा है। मान्यता है कि जो लोग बीमार होते हैं तो वह अगर इस व्रत को करते हैं तो वह निरोगी हो जाते हैं। बताया जाता है कि इसे प्रदोष कहने के पीछे एक कहानी जुड़ी है कि चंद्रमा को 6 रोग हो गया था, जिसके चलते उन्हें मृत्युतुल्य कष्ट हो रहे थे। इसके बाद भगवान शिव ने उस दोष का निवारण करने के लिए उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन दिया, इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रदोष वर्ष जो है प्रत्येक मास में आता है, और प्रदोष का इस वर्ष जो प्रदोष वर्ष है इस महीने में वो 15 जून को पड़ेगा, और इस प्रदोष व्रत का मतलब होता है कि इसमें त्रयोदशी और चतुर्दशी का संयोग माना जाता है। इसमें भगवान भोलेनाथ का पूजन इसमें विशेष रूप से किया जाता है, और उस प्रदोष व्रत में किसी की स्वास्थ्य कोई गड़बड़ हो, स्वास्थ्य में कई तरह से कोई बीमारियां हो, और ऐसा कोई योग संयोग या ग्रह की स्थिति किसी की ठीक नहीं हो, उस प्रदोष का व्रत लेकर के और भगवान शंकर का अभिषेक करके दूध दही शहद शक्कर घी पंचामृत यथाविधि जो भी हो सकता है सामग्री उसको भगवान को अर्पण करके, और उसके साथ में क्या है कि श्रद्धा हो और भाव हो, क्योंकि भाव को भगवान ग्रहण करते हैं। हमारे पास इतनी सामग्री उपलब्ध ना भी है और भाव से हम उसको मानसिक रूप से भगवान को अर्पण करते हैं और समर्पण भाव से, तो निश्चित रूप से वो सामग्री भी हम भाव के रूप में भगवान को चढ़ाते हैं तो हमारी कामनाएँ पूरी होती हैं। तो इस दिन में विशेष करके ये जो प्रदोष का व्रत होता है, इस प्रदोष के व्रत को करने से परिवार में किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी भी तरह से किसी की अल्पायु होने वाली है, जन्म कुंडली में कोई ग्रह खराब है, तो उस ग्रह के रूप में हम भगवान का अगर शंकर का पूजन करते हैं अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से कष्ट का हरण होता है और कल्याण ही कल्याण होता है। चंद्रमा से जुड़ी कहानी है कि चंद्रमा का जब विवाह हुआ था, चंद्रमा ने झूठा झूठ बोला था, और झूठा कलंक लगने से, क्योंकि शापित हो गए थे उनको, और उनको ये जो कलंक जो आज भी हम चंद्रमा पे देखते हैं ये झूठ का कलंक है, अभिशाप है। और उस दिन ये एक वर्ष में जो एक गणेश भगवान का व्रत आता है कलंक चतुर्थी करके, उस दिन में अगर भगवान कोई भी मनुष्य अगर चंद्रमा का दर्शन करता है तो उसको भी अभिशाप लगता है, उसको भी पाप लगता है, इसलिए वो जो तिथि होती है उस तिथि में चंद्रमा के दर्शन निषिद्ध मानेंगे। तो ये भगवान गणेश जी से जुड़ी हुई कथा है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर का जो आश्रम था कैलाश पर्वत में, भगवान गणेश जी विचरण कर रहे थे, रात्रि का समय था, विचरण कर रहे थे, और विचरण करते ही करते क्योंकि बर्फीला सारा रास्ता था उसमें भगवान गणेश जी थोड़ा सा फिसल गए थे, रात्रि का समय था, चंद्रमा दिख रहे थे वो फिसल गए थे। जैसे ही गणेश जी फिसले तो चंद्रमा ने ऊपर से गणेश जी को देखा, तो गणेश जी को हंसी चंद्रमा को हंसी आ गई गणेश जी को देख करके। अब जैसे ही गणेश जी ने तो सोचा कि मैं गिर गया और चंद्रमा ने मेरे को देखा ये हंसे, उसी समय गणेश जी ने उनको अभिशाप दे। देहरादून से न्यूज़ 18 लोकल के लिए हिना आज़मी की रिपोर्ट।